स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है रेखा ब्लॉग्स। और मैं हूँ रेखा, आप सबको पता ही है। तो कैसे हो आप सब? मैं तो अच्छी हूँ, आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। और आप लोगों ने मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया, मेरी बेटी को बहुत सारे विशेज दिए, थैंक यू सो मच। उस बर्थडे में आप लोग मतलब मेरा साथ निभाए, बहुत बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दिल से। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो छोटा सा पार्टी हमारे घर में था, पार्टी वगैरह ख़त्म होने के बाद अब जा कर के 2 दिन लग गए मुझे अपने घर को समेटने में। अब जा कर के मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। एक दो आदमी जो भी आए हुए थे वो आज चले गए, आज इनके बाबा दादी भी चले गए सुबह सुबह में ही, 4 बजे ही वो लोग गए थे, इंटरसिटी से गए हैं लोग। 5 बजे उन लोग की ट्रेन थी तो 4 बजे ही उठना पड़ा था। आज मैं एकदम सुबह का एकदम 3:30-4 बजे का ही जगी हुई हूँ, इसके वजह से आज मुझे अभी नींद आ रही है। और बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, पति ऑफिस चले गए हैं, बस मैं अपना काम कर रही थी। मैंने घर का पहले सारा काम कर लिया। काम करते वक्त मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मतलब इतना घर फैल चुका था, इतना घर फैल चुका था ना कि मत क्या बताऊँ आप लोगों से। मैं जल्दी जल्दी मैं किसी तरह से अपने कामों को की, और कोई भी काम अकेले अगर करो ना तो बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। कोई साथ में करने वाला है नहीं। अब घर को डेकोरेट करने के लिए चाहे खाना बनाओ, चाहे जो भी, सबको किसी को एक गिलास पानी भी देना है तो वो मुझे ही देना है। तो इसकी वजह से सब कुछ अकेले मैनेज करना, उसके बाद से जब वो सबसे मुश्किल तो होता है घर बर्थडे या मतलब फंक्शन के बाद में जो घर को समेटना होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे लिए नहीं, सबके लिए ही होता होगा, जो अकेले है घर में उसके लिए, सबके लिए ही होता होगा। तो अब जा कर के मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा कि नहीं, अब ब्लॉग शूट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा काम है। आप लोग के सपोर्ट अगर रहा तो फिर हमारा भी चैनल चल जाएगा, उम्मीद है। लेकिन सब्सक्राइबर बहुत लोग, सिर्फ लोग देख रहे हैं वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और इसके आगे भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि हमारे घर में शादी है, मेरे भाई की शादी है नेक्स्ट मंथ में, मतलब अक्टूबर नहीं नवंबर में है, जल्दी ही आने वाला है। तो उसकी सारी तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है। अभी हम लोग की मार्केटिंग भी अभी होगी, मम्मी पापा आने वाले हैं शायद, देखिए नवरात्रि में आएंगे तो फिर हम लोग मार्केट जाएंगे। जो भी होगा उसकी ब्लॉग मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। मैं जब यूट्यूब पर आई हूँ, आप लोग के भरोसे ही आई हूँ, तो मैं अपने घर का हर एक चीज़ आप लोग को दिखाऊँगी। प्लीज़ बस आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, और जो भी मतलब ब्लॉग में आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है वो भी मुझे बताइए, या फिर अच्छा लग रहा है वो भी मुझे बताइए। कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए, ताकि कमेंट पढ़ने से मतलब अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ जो हम मेहनत कर रहे हैं उसे किसी को अच्छा लग रहा है, तो फिर करने में मनोबल बढ़ता है, करने का और मन करता है। इसके लिए आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अब बच्चों के आने का अब टाइम हो रहा है, 12 बजने वाले हैं। और उसके बाद से मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बने रहिए ब्लॉग में। ये देखिए मैं जा रही हूँ भुट्टा भूजने, अभी हो गए हैं शाम, अभी हम लोग थोड़ा देर के लिए सो गए थे। हाँ हाँ भून रहे हैं, अभी प्रियल सोया ही है, बुलबुल उठ चुकी है। ये कल हम लोग खरीदे थे तो आधा कल ही खा गए थे वो, और आधा बचा हुआ था तो बच्चे इस समय बोल रहे हैं कि इसी को भून दें, तो मैं सोच रही हूँ इस समय नाश्ते में इन लोगों को यही भून करके दे दे रही हूँ। इसको मैं पहले छील ले रही हूँ, दिखने में बहुत पतला पतला सा दिख रहा है लेकिन इसमें प्रॉपर दाना लगा हुआ है, बहुत अच्छा है। ये देखिए चारों तरफ से इसमें बहुत ही अच्छे से दाने लगे हुए हैं। इसका ये जुबान है ना, फंसता है।
किसको किसको भुट्टा पसंद है बताइएगा। अरे एक तो थोड़ा सा खराब है, ये तो थोड़ा सा खराब है जी। हाँ यहाँ पे देखो ये खराब है, ये भैया ले लेगा। देखो खराब है, खराब है तो भैया ले लेगा। हाँ। अच्छा रहेगा तो तुम लोगी। हाँ। रुको रुको इसको पूरा निकाल के दूँ। इसको काट दिए तो यहाँ पे ले जाएगा। मैं नहीं लूंगी, ये सबसे छोटा है तो ये तुम लोगी, ये भैया और ये मैं। भैया को जगाओ, जल्दी जगाओ भैया को। क्या प्रॉमिस किए थे? इधर इधर आके बताओ, इधर इधर आके बताओ, आओ तो सबके सामने बताओ ताकि तुम भूलोगे नहीं। ये देखिए मेरे कलरफुल पेन में भैया ले रहा है। अपना पास से दिखाते हैं, ये इधर से दिखाओ, दिखाते हो तो तुमने दिखाया। देखिए ये स्कूल में इनके दोस्त ने ये चार कलर वाला एक पेन इनको गिफ्ट दिया है, तो ये पेन से लिखती नहीं है, ये पेंसिल से लिखती है। तो भैया इनके पीछे पड़ रहा है कि ये पेन मुझे दे दो, मुझे पेन की जरूरत है। इसके बदले में इन्होंने भैया से शर्त लगवाया है कि मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी मुझे मारोगे नहीं और कभी मुझे रुलाओगे नहीं, उसके बाद मैं ये पेन दूंगी। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है, लेकिन ये बोल रही है कि जिस दिन तुम मुझे मारोगे उस दिन मैं ये से छीन भी लूंगी। इन लोगों में डील हुआ है। ये ब्लू पेन है, ये ग्रीन, ये ब्लैक, रियल शर्त मंजूर है, ये रेड। हाँ बोल रहा है। हाँ आप लोग भी देखिएगा, जिस दिन उस शर्त भूलेगा उस दिन बताइएगा। मारे तो ले लूंगी वो पेन। और मेरी पेन की अच्छी से खाती दादी को चाहिए, क्योंकि गिफ्ट का आधा चीज तो वही ले रहा है। और मेरे बर्थडे में मुझे गिफ्ट वो मिले, कपड़ा मिला था, स्टेशनरी के कुछ मिले थे, एक मेज मेट्री बॉक्स था, और एक ड्राइंग बुक, स्मार्ट घड़ी खरीद कर लाए थे, लेकिन वो बोल रहा है कि ये अभी छोटी है, ये क्या करेगी घड़ी लेकर के, मुझे घड़ी चाहिए। तो घड़ी उनको पसंद आ गया तो घड़ी वही ले। मतलब बुलबुल के लिए ही लाए थे। बर्थडे पर आएगा तो इसी का चीज हुआ ना। बर्थडे पर नहीं आया था, बर्थडे से एक दिन पहले आया था। और पापा आ
और गाइस मेरे जब से कट गए तो सारे मेरे सिस्टर मुझे चुड़ैल बना दिए थे। ये आप ही ले ली मम्मी, मैं नहीं लेने वाली। टूटा फूटा सा बोल लूंगी। चलो कोई नहीं, गिफ्ट जिसका भी हो, जिसके यूज में जो आ जाए वो सबको यूज करना चाहिए। मुझे रोना आ रहा है। चले गए, सभी मिलते हैं थोड़ी देर में। हम लोग भुट्टा वगैरह खा ले पहले, और आप लोग भी खा लीजिए। देखिए ये भुन गया है, ये देखिए थोड़ा सा बाकी, अभी इसको भुन रहे हैं। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं सोने, हम लोग का खाना पीना हो चुका है और हम लोग नहीं सोएंगे, बस इस गुड़िया को सुलाएंगे क्योंकि इसको सुबह 5 बजे उठ करके ही स्कूल जाना होता है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर हैं उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि मैं जो भी करूँ आप लोग, जो भी वीडियो डालूं वो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं आप सबसे एक नए ब्लॉग में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय 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 बाय।